हेलो क्लास फोर्थ, मैं आपकी टीचर द्विंदर कौर। आज हम चैप्टर नंबर 7 मिसकेलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। और मिसकेलेनियस एक्सरसाइज में जो है, आपने जो भी एक्सरसाइज 7.1, 7.2, 7.3 एंड 7.4 में किया है, वो सारा एक रिवीजन बन के आपके लिए मिसकेलेनियस एक्सरसाइज में आता है। सो ये पेज नंबर 83-84 पर है। और पहला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन MCQ। ₹124 राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 10 इज। अब इनमें से 124 बताना है नियरेस्ट 10s के लिए, राउंड ऑफ करना है। और आपको पता है 5 या 5 से ज्यादा वाला नंबर नेक्स्ट नंबर में चेंज हो जाता है, और 5 से छोटा नंबर जो है 0 में चेंज हो जाता है। क्लियर? इसके अंदर अब आपको पता है कि 4 जो है वो 5 से छोटा नंबर है, तो हमारा जो ऑप्शन है वो कौन सा सही होगा? 120 मींस 124 का राउंड ऑफ नियरेस्ट 10s कितना हो जाएगा? 120। क्लियर? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, 6729 राउंडेड ऑफ नियरेस्ट 1000। अब इसमें नियरेस्ट 1000 बनाना है, तो हमें क्या देखना है, 500 से या 500 वाला नंबर इससे होगा तो वो नेक्स्ट नंबर में शिफ्ट हो जाएगा, और 500 से छोटे वाला नंबर 00 में शिफ्ट हो जाएगा। तो नंबर है 6729। ठीक, अब यहाँ पर हमें 100 तक के नंबर देखने हैं। ठीक, मैंने आपको इंट्रो वाली वीडियो में सारा समझाया हुआ है। एक्सरसाइज 7.1 से पहले जो इंट्रो था उसमें नियरेस्ट 10s, 100 और 1000 का एस्टिमेट बताया है। अब 729 जो है 500 से बड़ा नंबर है, तो ये किस में शिफ्ट हो जाएगा? 7000 में। तो इसका बी जो है करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा, वो है फिल इन द ब्लैंक्स। और फिल इन द ब्लैंक्स जो है हम अपनी बुक में करेंगे, ठीक है? नोटबुक में फिल इन द ब्लैंक्स नहीं करना, बुक में ही फिल करेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स राउंडिंग 200956 टू द नियरेस्ट 100। अब नियरेस्ट 100 के लिए हमें कितना देखना पड़ता है? 56 को देखना पड़ेगा, 1s और 10s को। तो यहाँ पर 1s और 10s है 56, और नियरेस्ट 100 बनाना है। और आपको पता है 500 के लिए 50 और 50 से बड़ा नंबर नेक्स्ट नंबर में शिफ्ट हो जाएगा, 50 से छोटा नंबर 00 में शिफ्ट हो जाएगा। अब ये नंबर है 56, 56 किस में चला जाएगा? 100 बन जाएगा, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा 201000। फिल इन द ब्लैंक्स बुक में ही फिल करना है, बुक में फिल करें। ठीक, राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 10s। अब नियरेस्ट 10s के लिए आपको पता है 1s को चेंज करना होता है, 5 या 5 से बड़ा नंबर नेक्स्ट नंबर, 5 से छोटा नंबर 00 में। अब ये 9 है, 9 5 से बड़ा है, तो क्या बन जाएगा? 39 का बन जाएगा 40, 0840। ठीक, नेक्स्ट है राउंडिंग 2409538 टू द नियरेस्ट 1000। नियरेस्ट 1000 के लिए हमें 1100 को देखना पड़ेगा, इसमें 500 या 500 से बड़े वाला नंबर नेक्स्ट नंबर में चेंज हो जाएगा, छोटा नंबर 00 में आ जाएगा। ठीक है, तो ये 538 है, 538 है तो मतलब ये 1000 में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? 241000। द एस्टिमेट सम, अब इसका सम निकालना है नियरेस्ट 10 में। देखो 64 है, अब ये 4 को चेंज करना है और यहाँ 9 को चेंज करना है। 64 कितना हो जाएगा 60 में, प्लस 89 कितना हो जाएगा? 89 100 में। तो आंसर आ जाएगा
60। ठीक, अब एस्टिमेट डिफरेंस बिटवीन नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 100 है तो यहाँ 93 देखना है और यहाँ 97, दोनों नेक्स्ट नंबर्स में चेंज हो जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 85100, क्योंकि यहाँ 93 है तो 100 बनेगा, यहाँ 0 है तो यहाँ 100 आ जाएगा, माइनस 41। अब ये 397 है तो किस में चेंज हो जाएगा, 397 किस में चेंज हो जाएगा, 397 चेंज हो जाएगा 400 में, क्योंकि 97, 98, 99, 100, 100 किस में चेंज हो जाएगा 400 में, तो ये हो जाएगा 41400 इज इक्वल टू, अब माइनस करेंगे 85100 41400, 00 यहाँ 11 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, 11 में से 4 गया 7, 4 में से 1 गया 3 और 8 में से 4 गया 4, तो आंसर आ गया 43700। क्लियर, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में अगेन वही करेंगे हम, एक्चुअल सम करना है, नियरेस्ट 1000 का एस्टीमेट भी करना है, तो इसको करेंगे हम नोटबुक के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, अब देखो इसमें करना है नियरेस्ट 1000 और यहाँ पर एस्टीमेट और एक्चुअल लिख लो पहले, यहाँ एस्टीमेट है, यहाँ एक्चुअल होगा, एस्टीमेट और एक्चुअल। चलिए फर्स्ट पार्ट करते हैं, 1000 चाहिए तो हमें ये वंस टेंस 100 वाले नंबर चेंज होंगे, ठीक है, अब वही सेम चीज 500 या 500 से बड़ा नंबर नेक्स्ट नंबर में, 500 से छोटा नंबर 00 में, अब ये 500 से छोटा नंबर है तो ये क्या हो जाएगा 3000, ठीक है, और ये 601 है तो ये नेक्स्ट में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये भी बन जाएगा 3000, प्लस कर देंगे 6000, यहाँ एक्चुअल में प्लस करेंगे तो 9485 पार्ट 1 कंप्लीट। क्लियर, सिर्फ एस्टिमेशन आपको करना सीखना है, 500 या 500 से बड़ा नंबर नेक्स्ट नंबर में और 500 से छोटा नंबर 00 में। अगेन 1000 का है तो पहले तीन नंबर हमें चेंज करने हैं, 500 से बड़ा है 609 तो ये अगले नंबर में शिफ्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 9000, और ये 482 है 500 से छोटा है तो ये बन जाएगा 5000 में ही, प्लस कर दो यहाँ 14 हो जाएगा 000, यहाँ एक्चुअल सम करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 9 10 11, 1 carry 9 10 और यहाँ पर 1 carry 9 10 और 14 14091, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। पार्ट 3 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3, तो पहले की तरह यहाँ पर एस्टीमेट और यहाँ एक्चुअल, एस्टीमेट एंड एक्चुअल, अगेन एस्टीमेट एंड एक्चुअल, ठीक, 568, 500 या 500 से बड़ा नंबर नेक्स्ट नंबर में चेंज हो जाएगा और 500 से छोटा नंबर 00 में आ जाएगा, 568 है, अब आपको ये पता लग गया ये बड़ा नंबर है तो ये 9000 में चेंज हो जाएगा, ये सिर्फ 87 है आपको पता है 500 से छोटा है तो ये किस में चेंज हो जाएगा 2000 में चेंज हो जाएगा, प्लस कर दो 9 10 11, 000, यहाँ पर प्लस करो 15 1 carry 6 और 10, ठीक है, कुछ नहीं करना, सिर्फ एस्टिमेशन का छोटे से प्रोसेस देखने हैं आपने, उसको देखना है कि टेंस में बनाना है, 100 में बनाना है या 1000 में बनाना है बस, और उसके लिए कितने नंबर्स को आपको चेंज करना है। अगेन 500 से बड़ा नंबर 500 या 500 से बड़ा नंबर नेक्स्ट नंबर में चेंज हो जाएगा, 500 से छोटा नंबर 00 में चेंज हो जाएगा, अब आपको पता है यहाँ पर तीन नंबर्स को चेंज करना है तो ये बन जाएगा 647 है, 500 से बड़ा है तो ये चला जाएगा 7000 पर,
तो ये हो जाएगा 6100 और यहाँ हो जाएगा 512 है, 500 से बड़ा है तो ये हो जाएगा 6000, बन जाएगा 67000। और यहाँ पर 7, 8, 9, 5, 6 और 5, 11, 1 carry, 6 और 6। क्लियर? क्वेश्चन नंबर थर्ड का फिफ्थ पार्ट, यहाँ पर ओनली 59 है और यहाँ पर 510 है, तो 59 तो 00 में चेंज हो जाएगा क्योंकि 500 से छोटा है, और यहाँ पर 510 है, 500 से बड़ा है तो ये नेक्स्ट 1000 में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 0, 0, 0 और यहाँ हो जाएगा 1 और ये 5, प्लस करेंगे 0, 0, 0, 1, 1 और 5, यहाँ इसको ऐड करेंगे तो 9 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 11 हो जाएगा और यहाँ पर 5 हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ पार्ट था। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का सिक्स पार्ट, लास्ट पार्ट है सिक्स पार्ट, यहाँ पर लिख देंगे एस्टिमेट एंड एक्चुअल। ठीक, अब इसको अगेन वही 500 या 500 से बड़े वाला नंबर जो होगा वो किस में, नेक्स्ट नंबर में चेंज हो जाएगा, 500 से छोटे वाला नंबर जो होगा वो आपका 00 में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब ये 912 है और 523 है, दोनों नंबर बड़े हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये तो 1000 बन जाएगा तो ये आ जाएगा 3111, 9 का बन जाएगा 10000 और यहाँ पर 523 है तो ये अगेन 1000 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 450 और यहाँ 0001, 6 और 7 यहाँ पर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5, 3, 9 और 5, 14, 1 carry, 0, 10 और 1, 6 और 7, 7, 6, 0, 4, 5, 3। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको डिफरेंस निकालना है और नियरेस्ट 1000 ही चलना है। ठीक है, तो नियरेस्ट 1000 के लिए अगेन वही 500 या 500 से बड़ा नंबर नेक्स्ट नंबर में और 500 से छोटा नंबर 00 में चेंज हो जाएगा। तो ये 459 है, 500 से छोटा नंबर है तो ये है 400 और यहाँ पर 267 है, 500 से छोटा है तो ये हो जाएगा 200 माइनस, आंसर आया 200, यहाँ पर माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 16 और यहाँ हो जाएगा 4 बचा, ये 14 बन जाएगा और यहाँ पर 3 हो जाएगा, 16 में से 7 गए, 9, 14 में से 6 गए, 8 और 3 में से 2 गया 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट करेंगे अब। 805 है, 500 से बड़ा नंबर है तो ये हो जाएगा 1000, 359 है, 500 से छोटा नंबर है तो ये हो जाएगा 300, 0, 0 यहाँ हो जाएगा 15, यहाँ पहले यहाँ 10 हुआ, 10 ने इसको दिया 15, यहाँ 9 हो जाएगा और यहाँ पर 7 हो जाएगा, 6, 4, 4, 4, 4, 6 क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट, अगेन एस्टिमेट एंड एक्चुअल, एस्टिमेट एक्चुअल,
क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट जो है इसमें 9552 है, तो 500 से छोटा है 52, ये नंबर देखने हैं आपको, 500 से छोटा है 52 तो ये हो जाएगा 9000, और 809 है 500 से बड़ा है तो ये हो जाएगा 1000, 0, 0, 0 और 8, क्लियर। अब यहाँ पर 12 में से 9 गया, 3 यहाँ 4 बना, 4 आ जाएगा, यहाँ पर 10 बन जाएगा, यहाँ पर 8 बन जाएगा, 10 में से 8 गए 2 और यहाँ पर हो जाएगा 8। क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट, 45,096 है, 96 500 से छोटा है तो हमारा हो जाएगा 45,000, और ये 528 बड़ा है तो ये हो जाएगा 8,000, 0, 0, 0, 7, यहाँ पर 15 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा और ये 600 हो जाएगा, और यहाँ पर इसने इसको दिया तो यहाँ 3 हो जाएगा, 37600। अब यहाँ पर 16 में से 8 गया 8, यहाँ पर 8 बन गया, 8 में से 2 गया 6, यहाँ पर 10 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5 और 4 यहाँ 14 हो जाएगा, 14 में से 7 गया 7 और यहाँ पर 3 हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट, ये ओनली 58 है तो ये 500 से छोटा है तो 60,000 हो जाएगा, और ये 947 है तो 1000 में चेंज हो जाएगा तो यहाँ लिखेंगे 39,000, 9, 10 में से 9 गया 1 और 5 में से 3 क्या 2, यहाँ पर 8 में से 7 गया 1, 5 में से 4 गया 1, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 9 गया 0 और ये 2 हो जाएगा, 5 में से 3 गया 2, क्लियर। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, वो है आपका मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करना है और सेम एक्सरसाइज 7.4 की तरह उसका डिफरेंस निकालना है एक्चुअल सम के साथ और नियरेस्ट टेंस में हमें एस्टीमेट करना है। 85 का हो जाएगा 90 और 29 का हो जाएगा 30, कर दो मल्टीप्लाई, 95 द 45, 489 द 72, 73, 74, 75, 76, 25 द 10, 1 कैरी, 28 द 16, 1 17, 5, 6, 14 और 2, 4, 6, 5, एक्चुअल सम यही बनता है, 95 द 45, 4, 72, 6 और 10, 1 कैरी, 2 एट द 16, 1 17, 5, 6, 14 और सॉरी 2, ठीक है। यहाँ पर 0, 0, 0, 93 द 27, 0, 0, 7 और 2। अब हम लिखेंगे यहाँ पर डिफरेंस, तो बड़े वाले नंबर में से छोटे वाला नंबर माइनस कर दो, यहाँ बन जाएगा 10, यहाँ बन जाएगा 9, यहाँ बन जाएगा 6, माइनस 10 में से 5 गया 5, 9 में से 6 गया 3, 6 में से 4 गया 2, तो ये मेरा आंसर आ गया, क्लियर। और यहाँ आप लिख लो ये एस्टीमेट है और ये एक्चुअल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट, तो एक साइड एस्टीमेट और एक सॉरी यहाँ एक्चुअल, पहले एक्चुअल आएगा फिर एस्टीमेट आएगा,
एक्चुअल है 46, 46 किस में चेंज हो जाएगा 50 में, और 23 किस में चेंज हो जाएगा 20 में, मल्टीप्लाई 63 द 18 वन कैरी, 64 द 12 वन 13, 62 द 12 वन कैरी, 24 द 8 वन 9, 85 और 10। ठीक, अब यहाँ पर 0 0 0 और 10, 0 0 0 और 1। अब यहाँ पर निकालेंगे डिफरेंस 1058 और 1000, 8500। तो आ गया मेरा आंसर। क्लियर, एस्टिमेट और एक्चुअल करना पड़ेगा, बिना इसके नहीं निकलेगा डिफरेंस। एक्चुअल एस्टिमेट, चलिए 235 का क्या हो जाएगा 240, 16 का क्या हो जाएगा 20, 65 द 30, 3, 63 द 18, 19, 20, 21, 2, 62 द 12, 13, 14, 5, 3 और 2, 0, 6, 7, 3। ठीक है, और यहाँ पर 0, 0, 0, 2, 0, 0, 2, 4 द 8, 2, 2 द 4, 0, 0, 8, 4। डिफरेंस के लिए 4800-3760-0, यहाँ 10 बन जाएगा, 10 में से 6 गया 4, यहाँ 7 में से 7 गया 0 और यहाँ पर 1। तो ये मेरा आंसर आ गया। क्लियर, इसके बाद 187 × 12, तो यहाँ पर एक्चुअल और एस्टीमेट, एक्चुअल वाले में 187 है तो जो हो जाएगा 200 में चेंज, एक्चुअल वाले में 12 है जो हो जाएगा 10 में चेंज, 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 2 द 2 0 0 0 और 2। यहाँ पर हो जाएगा 27 द 14 वन कैरी, 28 द 16 वन 17 वन कैरी और 2 और 3, 7 8 और 1, 4 14 वन कैरी, 12 और 2। डिफरेंस के लिए 2 2 4 4 2000, 4 4 2 0, आंसर आ गया। क्लियर, यहाँ पर मैंने गलती कर दी है, ये 187 था, इसका नियरेस्ट टेंस ये वाला चेंज करना है, तो ये है गलत, यहाँ आ जाएगा 190 और ये होगा 10, 0 0 0 1 0 0 1 9 9 1 1 1 0 0 9 1। अब डिफरेंस निकालो 1 9 0 0, 4 4 और यहाँ पर 12, तो यहाँ आ जाएगा 3 4 4। अब आंसर ठीक है, क्योंकि नियरेस्ट 10 था, मैंने नियरेस्ट 1000 कर दिया था, तो गलती मुझसे भी हो सकती है। आप लोग प्लीज़ जैसे समझाया है उस चीज़ को फॉलो करते हुए ही सॉल्व करना, अगर मुझसे गलती हो गई है तो मैं पहले ही सॉरी बोल देती हूँ, क्योंकि कैलकुलेशन करते समय मुझसे भी गलती हो सकती है, आप ठीक करना, मेथड यही रहेगा, आप ठीक करना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 75,000 टू गेट एस्टिमेट डिफरेंस, और इसके माइनस करो नियरेस्ट 100। ठीक, तो क्वेश्चन में अब हम जो लिखा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, इतने से कितना सब्ट्रैक्ट करें, मतलब इसमें से 75,000 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें, क्या सब्ट्रैक्ट करें टू गेट, टू गेट का मतलब है इज इक्वल टू आ जाए इसके एस्टिमेटेड में, मतलब इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा हमें। ठीक है,
अब 7500 में हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे कि हमें इसमें से, अब इसको 69954 और 4952, टू ज़ीरो ज़ीरो फाइव और सिक्स, ये आया। अब इसका एस्टीमेट जो करना है ना, इसका जो एस्टीमेट करना है वो नियरेस्ट 100 करना है, इसका भी एस्टीमेट करना है, तो नियरेस्ट 100 करेंगे अब एस्टीमेट। एस्टीमेट एस्टीमेट नियरेस्ट 100। अब नियरेस्ट 100 के लिए क्या करेंगे, इसमें तो अभी हम ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि हमें ये फाइंड करना है। अब यहाँ पर 100 का करना है तो ये तीन नंबर चेंज होंगे। अब ये 500 से छोटा है तो ये क्या बन जाएगा, 65,000। अब हमें बताना है इसमें इसकी जगह क्या फिल करें। तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा मेरा, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखूंगी 75,000 माइनस 65,000 इज इक्वल टू मेरा क्वेश्चन वाला टैग आ जाएगा जो मुझे निकालना था। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड वो आ जाएगा। तो जब हम इनको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 10000 इज इक्वल टू दिस। तो ये जो नंबर है ये सब्ट्रैक्ट होगा 75,000 में से, तो मेरा 65,000 आ जाएगा। दैट्स इट, नंबर है ये, इसकी जगह नंबर लिख लो, यहाँ पर नंबर लिख लो, ये नंबर है। कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे कि ये आ जाए। तो क्वेश्चन सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। इनकम ऑफ अ पर्सन इज, एक पर्सन की इनकम इतनी है एक मंथ के अंदर, मतलब इनकम ऑफ अ पर्सन इज इक्वल टू ₹29,655, ठीक है। अब वो बोल रहा है अगर उसका खर्चा, एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चा, अगर उसका खर्चा जो है एक मंथ के अंदर इतना आता है तो हम लिखेंगे एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, एक्सपेंडिचर ऑफ अ पर्सन इज इक्वल टू ₹21,650। एस्टिमेट द सेविंग इन रुपीज इन दैट मंथ, उस मंथ में कितना सेविंग किया वो बताना है हमें। और एस्टिमेट तीनों तरह से कर देंगे हम, टेंस में, हंड्रेड में और थाउजेंड में। तो इतना तो वो कमाता है, इतना वो खर्च कर देता है, तो सेविंग निकालनी है हमें, सेविंग, सेविंग ऑफ अ पर्सन। तो सेविंग के लिए हम क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे। अब इसमें से माइनस कर दो 50, सिक्स में से सिक्स गया जीरो, नाइन में से वन गया एट, और यहाँ तो जीरो हो गया, ठीक है। अब ये सेविंग है वो है ₹8,005, ठीक है। अब इसकी एस्टीमेट कर देते हैं, 8005 का टेंस में कर देते हैं, फिर यहाँ 100 में कर देते हैं, और यहाँ 1000 में कर देते हैं इसका एस्टीमेट, ठीक है। टेंस में करने के लिए वंस वाले को चेंज करना पड़ेगा, फाइव या फाइव से बड़ा नंबर जो होता है आगे शिफ्ट हो जाता है, तो फाइव का क्या बन जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 8010 रुपीस, ठीक है। अब यहाँ पर 100 वाले को चेंज करने के लिए दो नंबर को चेंज करना पड़ेगा, तो ये दो नंबर्स, ये 550 से छोटा है तो ये हो जाएगा 8000। 1000 में चेंज करने के लिए अगेन इस नंबर को मिलाना पड़ेगा, और ये 500 से छोटा है तो ये भी क्या हो जाएगा 8000। तो ये मेरे आंसर्स एस्टीमेट के आ गए, क्योंकि उसने यहाँ क्वेश्चन में लिखा है एस्टीमेट द सेविंग इन रुपीस इन दैट मंथ, उसने नहीं बताया टेंस में करो, 100 में करो या 1000 में करो, इसलिए हमने तीनों में कर दिया, क्लियर। यहाँ पर जो है आपका चैप्टर 7 फिनिश हो गया, यहाँ पर मस्केलेनियस एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो गई। बाय योर टीचर देवेंद्र कौर। अगर कोई डाउट हो देन डू मैसेज मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर, और अगर मेरी कहीं गलती हो तो मेरी गलती को इग्नोर करते हुए आप अपना क्वेश्चन सही तरीके से निकाल लेना। टिल देन टेक केयर।